अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असद भरोई व्लॉग्स के साथ मैं हूं असद भरोई। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, टैक्स का सीज़न आने वाला है, अप्रैल का महीना आने वाला है, तो उसमें टैक्स की शुरुआत होती है और फिर तेज़ी से टैक्स बढ़ते जाते हैं। अगर उससे पहले पहले ही हम टैक्स पे कंट्रोल करें तो टैक्स पे 100% कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह मैं भी आज अपने चैनल में टैक्स के कंट्रोल के स्प्रे कर रहा हूँ, तो सोचा आपसे शेयर करता जाऊँ। तो अपने डॉग्स को मैं स्प्रे करता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि डॉग्स को हम स्प्रे करते हैं। अगर हम ब्रीडर हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई सस्ते फार्मूले मिले ताकि हम सबको कर पाएँ और इजीली हमारा थोड़ा सा खर्चा बचे। लेकिन अगर कोई डॉग्स का शायकीन एक आधा डॉग रखता है, तो उसके लिए बेस्ट है कि फ्रंट लाइन स्प्रे ले करे और मज़ीद स्प्रे आते हैं एक्टोफोन वगैरह, वो अपनी जगह पर करे, और टिक बेल वगैरह कुछ स्प्रे जगह पे करने के लिए होते हैं, कुछ ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो सिर्फ अपने डॉग को करें। लेकिन अभी से अगर हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो आगे जाकर टिक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती रहती है। तो तमाम ब्रीडर्स, तमाम दोस्त, तमाम जितने भी डॉग्स के शायकीन हैं, अपने अपने डॉग्स के लिए तैयारी करें और उनको स्प्रे करें ताकि आगे जाकर उनको प्रॉब्लम ना हो। और मैं कौन सा स्प्रे कर रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखें फ्रेंड्स, ये स्प्रे जो मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने खुद फार्मूला कहीं से लिया है और ये बहुत सस्ता पड़ता है हमें ब्रीडर्स को, ये ख़ासतौर पर सस्ता पड़ता है और ब्रीडर्स के लिए ये ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। पहले हम ये स्प्रे करेंगे और स्प्रे के बाद फिर जगह पर स्प्रे करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। मज़ीद जो भी डॉग्स के शायकीन हैं, वो फ्रंट लाइन इस्तेमाल करें अपने डॉग्स पर, टिक बेल इस्तेमाल करें, जो जहाँ से वो डॉग फूड लेते हैं, एसेसरी लेते हैं, वहीं से उनको स्प्रे भी मिल जाएंगे टिक्स के, तो वहाँ से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ जहाँ पर वो डॉग्स रखते हैं वहाँ पर भी स्प्रे करें। सिर्फ डॉग्स को स्प्रे करने से टिक्स ख़त्म नहीं होते जब तक आप जगह से भी ख़त्म ना करें। तो आप डॉग को जब स्प्रे करते हैं, टिक्स ख़त्म करते हैं उसके, तो उसकी जगह पर भी स्प्रे करें, वहाँ से भी आपको टिक्स ख़त्म करने होंगे। अच्छा व्यूवर्स, ये देखें सिरिंजों में एक डॉग का एक डोज है, ये डोज है, ये स्किन में जज्ब हो जाता है। ये हमने ऊपर से स्प्रे करना है, जो हम स्प्रे कर रहे थे ये हमने लिक्विड में मिलाया हुआ था। लेकिन अगर हम लिक्विड में इसको ना भी मिलाएं, सिर्फ इसको हम स्पॉट स्पॉट करके स्किन पर डाल दें, बालों से हटाकर, और स्किन में जज्ब करवा लें, तो भी ये टिक्स ख़त्म कर देता है। साथ साथ एक ये स्प्रे है, ये लेकर आया हूँ मैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्प्रे है और ये टैंक पड़ा हुआ है मेरे पास, ये टैंक है। इस टैंक में ये स्प्रे डालकर प्रेशर बनाकर इसका, तो हमने ये, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक में हमने ये एक डोज बनाया हुआ है 5 ml का, तो इस टैंक में हमने ये पूरा डोज डालना है और 5 लीटर इसमें जो है ना कि पानी डालना है। 5 लीटर तक ये जगह है इसमें, देखें ये यहाँ तक पानी डलेगा, इस निशान तक ये निशान है, और ये एक सिरिंज पूरा डल जाएगा। तो इसमें प्रेशर बना के हमने ये सारी दीवारों में, इस जगह पर, पूरा नीचे फर्श पर, डॉग्स के केज में, डॉग्स को बचाना है इस स्प्रे से, डॉग्स को ना हो उसका, उसके पानी के, खाने के बर्तन हटाने, ये पूरी जगह में कर देंगे। और तकरीबन डॉग्स को, जो डॉग्स पे स्प्रे करने वाला डोज है ये करेंगे हम, इसको दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इसको पानी में स्प्रे बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डोज पूरा जाना चाहिए स्किन के अंदर। अगर हमने इसमें 200 ml में या 250 ml में हमने ये मिक्स किया, 250 ml बन गया, तो अगर हम सोचते हैं कि जी नहीं हम थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा सा बाद में करेंगे, नहीं, हमने वो पूरा स्प्रे एक ही टाइम पे ख़त्म करना है डॉग को, ताकि सारा पूरा उसका डोज एक उसके बॉडी वेट के हिसाब से। और अगर हम इसको स्प्रे में नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम इसको स्पॉट कर उसके बाल हटा के स्पॉट डालकर बॉडी पर उसके अंदर जज्ब करवा देंगे, ताकि वो जज्ब हो जाए अंदर, तो पूरा डोज उसके स्किन में चला जाएगा, तो उससे भी कंट्रोल होंगे। तो मैं इसके नाम डिटेल वगैरह आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे डॉग्स हैं मेरे, मैं इन सबको स्प्रे करूंगा, और स्प्रे के साथ साथ आप ये मेरी जगह देख सकते हैं, मैंने ये कच्ची रखी है जगह सारी। अच्छा, ये सारी जगह कच्ची है, ये दीवारें कच्ची हैं, इन दीवारों के इन खांचों में, कोनों में, यहाँ पर टिक्स जाकर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सारे डॉग्स को स्प्रे करेंगे, डॉग्स को स्प्रे करने के बाद हम अपनी जगह पर स्प्रे करेंगे। अच्छा, जगह के लिए अलग स्प्रे, क्योंकि डॉग्स के जो स्प्रे हैं वो महंगे होते हैं और हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम जगह पर भी करें, डॉग्स पे भी करें। तो डॉग्स की ये जगह पर स्प्रे करने के लिए आप एक्टोफोन ले लें, एक्टोफोन का डब्बा
1200 का मिल जाता है। इसको स्प्रे हो चुका है इस फीमेल को, और स्प्रे के बाद हमने इसको मजल पहना दिया है ताकि ये लिक ना करे। एहतियातन मजल पहना है, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मजल पहना दिया है कि ये लिक ना करे। तो इसके बाद हम मजीद दूसरे डॉग्स पे जाते हैं। ये जब तक, अब 5 मिनट में ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, स्किन जस्प कर जाएगी, उसके बाद फिर कोई इशू नहीं होगा इसको। तो फिलहाल हमने इसको मजल पहनाया है, हमने उस फीमेल को स्प्रे किया। अब इस पर हम स्पॉटिंग करेंगे। देखें, स्पॉट कर करके एक एक डॉट, एक एक जो है ना कि इसमें कतरा डालकर इसको जस्प करवाते जाएंगे। सरिंज से एक एक कतरा इसके ऊपर गिराएंगे इस लिक्विड का। और ये देखें, एक कतरा गिराया और इसको हमने जस्प करवा दिया। इस तरह ये पूरा डोज इसकी स्किन में जस्प करवाना है, तो इससे टिक्स नहीं होंगे। यही चीज़ हम फिर दोबारा 15 दिन बाद दोबारा इस पर रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर हम 2-2 महीनों में करते रहेंगे। लेकिन ये सारा डॉग्स को एक ही साथ करना है और जगह पर भी करना है ताकि सब टिक्स एक साथ कंट्रोल हो। मज़ीद अगर किसी के पास एक डॉग है तो वो नॉर्मल ही फ्रंट लाइन टिक बेल वगैरह जहाँ से वो डॉग फूड लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं डॉग्स की, वहाँ से लें और अपने एक डॉग को कर लें। जिसके पास ज़्यादा क्वान्टिटी में डॉग्स होते हैं तो वो कमर्शियल जो भी होता है तो वो ये चीज़ यूज़ करें, ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब हम करेंगे अपनी जगह पर स्प्रे। ये पंप है, इसमें हमने पानी डाल लिया है, और पानी डालने के बाद हम जो इसमें लिक्विड डलेगा वो लिक्विड डालेंगे। लिक्विड डालने के बाद हम ये लिक्विड हमने डाल दिया इसमें। लिक्विड डल गया इसमें, अब लिक्विड के बाद हम इसमें प्रेशर बनाकर स्प्रे करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पंप तैयार कर लिया है। अब हम सारे कोने खांचों में स्प्रे करेंगे, जहाँ जहाँ हमें शक है कि टिक्स होते हैं, बैठते हैं, वहाँ वहाँ हम स्प्रे करेंगे। एहतियात करना है कि डॉग्स के खाने के बर्तन में, पानी के बर्तन में ये स्प्रे ना जाए और डॉग्स इसको भी लिक ना करें। इस पूरी दीवार पे करने के बाद हम बाहर के इस ग्राउंड में करेंगे स्प्रे। अच्छा, ये कोने खांचे जितने भी हैं, ये सामान हटाकर हम सारे इन कोनों में स्प्रे करेंगे ताकि जो भी नीचे अंडे बच्चे हों, टिक्स वगैरह हों, वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि हर जगह पर, हर कैनल में ये छोटे मोटे सामान होते हैं यूज़ के, तो इंसान इनको नज़रअंदाज कर देता है कि जी रहने दें, यहाँ एक थोड़ी सी जगह है। लेकिन नहीं, ये भी हमने कंट्रोल करनी है। यहाँ से सामान हटाना है और हर जगह पर स्प्रे करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे केजेस पे। यहाँ हो जाएगा डॉग्स, एक एक केज से डॉग्स को बाहर निकाल कर केज में कंप्लीट स्प्रे करेंगे। कोने खांचे, जालियों के नीचे जो पायलट्स वगैरह रखे हुए होते हैं उनके नीचे, सब चीज़ों पे हम स्प्रे करेंगे। डॉग्स बाहर बंधे हुए होंगे, इनके बर्तनों से एहतियात करेंगे कि इनके बर्तनों में लिक्विड ना जाए, स्प्रे ना जाए स्किन के बर्तनों में, इनके पानी में इनको प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो इसीलिए हम डॉग्स को भी बाहर निकालेंगे, एक डॉग को बाहर निकालेंगे सबसे पहले उस केज में करेंगे, फिर दूसरे डॉग को बाहर निकालेंगे उस केज में करेंगे, फिर उसके बाद जब वो खुश्क हो जाएगा तो डॉग्स को अंदर डालते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपने भी करना है। अगर एक डॉग है तो कोई इशू नहीं, बाहर ले जाएं उसको। अगर ज़्यादा डॉग्स हैं तो यही तरीका अख्तियार करना है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम वीडियो को शॉर्ट करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार यही है। व्यूवर्स, तो ये थी आज की वीडियो टिक्स कंट्रोल करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।